इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स realme मोबाइल को एक हिडन और अमेजिंग सेटिंग के बारे में, जिस सेटिंग का यूज करने के बाद दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन को किसी को दे भी देते हैं तो दोस्तों वो आपके मोबाइल के किसी भी फोटो या फिर किसी भी चीज को वो जो है टच नहीं कर पाएगा, यानी कि ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं realme मोबाइल फोन में स्क्रीन पिनिंग सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों स्क्रीन पिनिंग सेटिंग क्या होता है और आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको चले जाना है अपने realme मोबाइल फोन के सेटिंग में, उसके बाद नीचे आना और नीचे आकर आपको यहां सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है। तो जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन पिनिंग का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहां पर क्लिक करके आपको इसे जो है इनेबल कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो है इनेबल हो जाएगा। अगर ये नीचे वाला सेटिंग डिसेबल रहता है तो आपको जो है इसे भी इनेबल ही रखना है। अब फ्रेंड्स देखिए इसका क्या यूज है और आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि आपका फ्रेंड जो है आपके मोबाइल फोन को मांगता है और दोस्तों अगर आपका फ्रेंड इस तरीके से बोल रहा है कि हमें जो है सिर्फ यूट्यूब में कुछ देर वीडियो देखना है, तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि वो जो है यूट्यूब के अलावा किसी भी ऐप को ना खोल पाए या वो यूट्यूब के अलावा हमारे मोबाइल फोन के किसी भी चीज को टच ना कर पाए या फिर देख ना पाए, तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन प्रिंटिंग सेटिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग सेटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल के रीसेट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जितने भी ऐप्स को ओपन किया होगा वो सारा ऐप्स यहाँ पर आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप जिस भी ऐप्स को पिन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर आपको यहाँ टू डॉट का आइकन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पिन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है उस ऐप में स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए अगर आप अपने फ्रेंड को मोबाइल दे भी देंगे तो दोस्तों यूट्यूब के अलावा वो जो है आपके मोबाइल फोन के किसी भी ऐप्स या फिर किसी भी फाइल या फिर किसी भी फोटो को खोल नहीं पाएगा या देख नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों वो जब या तो बैक बटन पर क्लिक करेगा या दोस्तों होम बटन पर क्लिक करेगा या दोस्तों टास्क बटन पर क्लिक करेगा तो दोस्तों ये जो है यहाँ से बैक होगा ही नहीं जब तक कि स्क्रीन प्रिंटिंग सेटिंग को डिसेबल ना कर दिया जाए। दोस्तों इस तरीके से आप जो है स्क्रीन प्रिंटिंग सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं और इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग सेटिंग को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रीसेट बटन और बैक बटन दोनों बटन पर अंगुली एक साथ प्रेस करना है। एक साथ प्रेस करने के बाद आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां से अपने मोबाइल को अनलॉक कर दीजिए तो उसके बाद जो है स्क्रीन पिन हट जाएगा और उसके बाद आप जो है उस ऐप से बाहर आ सकते हैं और आप अपने मोबाइल के किसी दूसरे ऐप्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप realme मोबाइल फोन में स्क्रीन पिनिंग सेटिंग का यूज कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल की सिक्योरिटी को इससे ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।